हाय, मैं हूं सोनाली बेंद्रे. दिस इज इंडियाज बेस्ट डांसर. सब्सक्राइब टू लिव म्यूजिक चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर परफॉर्मेंसेस. एक और एक 11 का चैलेंज और बुलाते हैं हमारे पहले डांसर को. सो इंडिया प्रेजेंटिंग, जिसने जलाई है अपनी खोई हुई पहचान की नई मशाल, अक्षय पाल और इनकी कोरियोग्राफर वर्तिका झा. के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, पूरा के निंदिया कहाँ तू चली. Nice. I mean, it was great. I loved the whole production value and I loved Akshay's performance and the choreography. मुझे बहुत अच्छी लगी. Oh, उसने smile भी की आज इतने हफ्तों बाद. Akshay smile किया. Had a great time. मैंने तो उसके लिए बजा दिया बजा. इसकी शिकायत थी, उसने पूरी कर दी आज. सारी शिकायत ही पूरी हो गई आपकी. I would say yes. क्या बात है यार अक्षय. कैसे लग रहा है आज performance देके ये? Actually. मेरे जो लास्ट 2 वीक्स के परफॉर्मेंस थे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो जा रहे थे, तो डर लग रहा था कि वो जो क्राफ्ट जा रहा है वो सिर्फ नीचे ना जाता रहना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मंच बहुत ज़्यादा मैटर करता है. लगता है आपको कि जब आप डर को हावी होने देते हैं आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है? बिल्कुल मैम, मुझे इन्होंने काफ़ी समझाया. वर्तिका ने आपको समझाया? वर्तिका वो चली मैं चली वापस एक बार करके. आई वाज जस्ट गोइंग टू टेल यू चली मैं चली. वो वर्तिका ने जो चली मैं चली करा है वो. अरे कैसे चल के आ रही है. ऐसे किधर से आता है ये सब? किधर से आता है वर्तिका? अभी एक असाइनमेंट है, जब आप वापस जाओगे ना लड़की की तरह चल. लटक मटक एक्शन. लटक मटक लटक मटक. अरे झटक नहीं बाबा, लटक मटक. गुड जॉब टुडे वर्तिका. थैंक यू सो मच.
Choreography is stupendous, fantabulously, phantasmagorically magical. Thank you so much. Performance, stupendo, fantabulously, phantasmagorically magical. Thank you so much, ma'am. यार वो सेक्शन क्या था जहाँ पे आपने निंदिया को ट्रांसलेट करा? पूरा के निंदिया। फिर वो एक वायलिन का सेक्शन आया। This was a crown-worthy performance, guys. Thank you so much. Well done, well done. एक और एक ग्यारह है, आपके कोरियोग्राफर और आप दोनों का तालमेल कैसा है हम देखेंगे। वर्तिका वाज सुपर्ब इन इट, और मुझे लगता है कि इसके लिए कि मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप खुलोगे तो आपको ऐसे मार्क्स मिलेंगे। एंड फॉर यू वर्तिका, मेरी तरफ से मैं एक एक्स्ट्रा देना चाहती हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम। अक्षय, आप खुद के इतने बड़े क्रिटिक हो, मैं चाहता हूं कि आप बताओ क्या करना है। अगर आपको लगता है कि यस, मैंने कंधे से कंधे मिलाया एंड आई डिजर्व 11, देन इट्स 11 एंड आई विल बिलीव यू बिकॉज यू आर नॉट डिसऑनेस्ट। मैंने एंजॉय किया, मुझे लगता है मुझे मिलना चाहिए। डन। क्या बात है, अक्षय, पिछले तीन हफ्तों के स्कोर्स को मिलाकर आपका टोटल होता है 85, और इसका मतलब ये है कि आप इस हफ्ते के एलिमिनेशन से सेफ है। अक्षय सुनो, एक और एक जब हम 11 कहते हैं, आपकी जिंदगी में कौन है? मैम, जैसे कि सारे कंटेस्टेंट के लिए आईबीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए भी ये मंच बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक टाइम पे मैं लॉस्ट था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूं जिससे लोगों की नज़रों में वापस से दिखूं और उठूं, तो मेहनत किया और फाइनली जाके ये मंच मिला। और ये मंच पे मुझे मैं लॉस था ना, तो वर्तिका एज अ ब्लेसिंग आया मेरी लाइफ में। तो एक होता है ना कि घर में एक लक्ष्मी आती है, तो वो एज अ लक्ष्मी मेरी लाइफ में आई है। वो जब से आए तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही है। तो मेरे ऑलरेडी स्ट्रेंथ मेरे भैया, मेरी फैमिली है, बट यहाँ आके मुझे एक नई स्ट्रेंथ मिली है, वो है वर्तिका। तो ये आपके लिए एक और एक 11 है। जी। How sweet. Thank you so much. ओ जिंदगी यूं गले आ लगी है, आ लगी है, कोई खोया हुआ बरसों के बाद आ गया। ओ फीके फीके थे दिन रात मेरे साथ, मेरे छुआ तूने तो जीने का स्वाद आ गया। एक तरह के आवारा थे, एक तरह
फ्लावर पर इधर आ जा। हाँ। इधर आ जा। Thank you so much. सबके लिए बस सर्विस करता है, इस बार बस सर्विस होगा तेरे लिए। जजेस, तीन चीजें, देश का प्यार, जजेस का भरोसा और फैंस की उम्मीद, ये हर डांसर का सपना होता है और ये तीनों चीजें हमारी अगली डांसर सुष्मिता को इंडियाज बेस्ट डांसर में आते ही मिल गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली इन तीनों चीजों के बावजूद आज सुष्मिता थर्ड लोएस्ट स्कोरर है। ऐसे में आज मिलने वाले बोनस 3 मार्क्स ना सिर्फ इन्हें एलिमिनेशन से बचाएंगे बल्कि उस भरोसे को भी बचाएंगे जो जजेस का सुष्मिता से है। सो इंडिया एक और एक 11 चैलेंज में प्रेजेंटिंग, जिनकी फैंस की गिनती का नहीं है कोई एंड, जो नोरबू की है जस्ट फ्रेंड कैलिंगपोंग वेस्ट बंगाल से सुष्मिता तमंग और इनके कोरियोग्राफर शुभ्रनील पॉल। कभी समंदर के उफान से लड़कर आना, बेमौसम तूफान से लड़कर आना, किनारे के साथ कुछ लम्हे गुजारने के लिए, लहरें क्या कुछ नहीं करती, ये चाहत नहीं तो क्या है, ये शिद्दत नहीं तो क्या है, ये लहरों की मोहब्बत नहीं तो क्या है। देखो छोड़ के किस रास्ते वो जाते हैं, सबे रास्ते वापस मेरे दिल को आते हैं। गाइस, performance, man. Oh, my God.
क्या बात है शुभनिल। इतना प्यारा रेंडिशन साहिल, लहरों की कहानी। सुष्मिता यार, आई एम सो इम्प्रेस्ड टुडे। आज ना आई वॉज ओनली लुकिंग एट यू। वो जो सबसे पहले एक वो श्रग करती है फ्लोर पे और स्लाइड करके जाती है जाते के लिए और आते के लिए, सो वेल एग्जीक्यूटेड। किस रास्ते वो जाते हैं, सोच, एग्जीक्यूशन, कॉन्सेप्ट, इन तीनों के लिए थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड माय फेवरेट पीस वाज द ऑर्केस्ट्रेशन, दैट एंटायर चंक जिसमें आप लोगों ने फुल मतलब एक तड़प जो दिखाई है, आई रियली लव्ड इट। सुष्मिता, आप जनरली पॉपिंग करती हैं, एनिमेशन करती हैं, रोबोटिक्स करती हैं, लेकिन आई विल से दैट यू एक्सप्लोर लिटिल बिट मोर। दिस इज अ लेवल अप फॉर यू। वेल डन सुष्मिता, वेल डन। एंड शुभनील, सुष्मिता, वेल डन, सुपर। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक पिछले हफ्ते जो फीडबैक आपको मिला था सुष्मिता, माय प्रॉब्लम विद यू इज कॉन्फिडेंस बढ़ गया है लेकिन ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ कोरियोग्राफी, डांसिंग मुझे नजर नहीं आया। आप दोनों ने उसको सीरियसली लेके एक जो चीज आज दिखाई है, हम कहेंगे कि यार फीडबैक देने का मजा तब आता है जब अगले हफ्ते आपको ऐसा रिजल्ट मिले। राइट, बिल्कुल सही। फ्रॉम माय साइड आई लव दिस परफॉर्मेंस। ऑल राइट, 10 मार्क्स फ्रॉम सोनाली जी। थैंक यू मैम, 10 मार्क्स। नाइन मार्क्स मेरे हिसाब से। हाँ जी, मैं आपको उस एक बोनस से महरूम नहीं रखूंगी। यू डिजर्व दिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एग्री गीता, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ही इज अ सख्त लौंडा, आई डोंट नो, वो नहीं पिघलेगा। आई वांट टू से कि ये शुरुआत जो आपने करा है वो बहुत अच्छा है और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक आप हमारे उम्मीद से ज्यादा करें और इसलिए मैं अपने आप को रोक रहा हूँ। ऑफ कोर्स, तो चलिए आपका टोटल होता है 31। आपके तीन हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर आपका टोटल होता है 83। आपको कैसे लगती है ये जस्ट फ्रेंड्स की जोड़ी? जोड़ी में दोनों को बहुत अच्छा लगता है दिखने में। लेकिन ये तो अपने आपको जस्ट फ्रेंड्स बुलाते हैं। अभी तो जस्ट फ्रेंड है, पता नहीं मेरे को अभी वो लोग क्या। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो जब दिल्ली में था सुष्मिता, तो नोरबू भी 2 साल उधर में बैठा है, तो नोरबू का केयर करने वाला कोई भी नहीं था उधर में, तो सुष्मिता ने साथ दिया, केयर किया, तो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गया, दोनों एक साथ में डांस किया, तो सुष्मिता ने पूरा नोरबू का साथ दिया, उसके लिए सुष्मिता का धन्यवाद। सुष्मिता के लिए मैं छोटा सा गिफ्ट देना चाहूंगी। क्या 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 गिफ्ट है? क्या क्या प्लीज बताइए हमें भी क्या है। ये हम लोग का है, 32 लोग पहनता है अपना ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस। नाइस, सो ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप, मैं भी चाहता था एक कभी पहने ये ट्रेडिशनल ड्रेस, तो कभी नहीं पहन पाया। ये ज़्यादा बहुत खुशी है कि मम्मी के हाथ से फर्स्ट टाइम सुष्मिता आपने ड्रेस पहनी। सो स्वीट,
All right then, thank you so much, auntie, यहाँ पर आने के लिए, and thank you so much, Nurbu, and thank you so much, Sushmita. Choreographers के भीष्म पितामह, हमारे बुजुर्ग वैभव को मंच पर बुलाने की, तो मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार ताला हो जाए. पहली बार इधर बैठ के ऐसा अलग ही फील होता है. वहाँ से एक्ट कैसा लगा वैभव? एक्ट तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि शिवम बहुत क्लीन परफॉर्मर है. और मैं इतना प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि कभी कभी खुद को बहुत सेल्फिश कहता हूँ. आईबीडी 2 के लिए इसको आना था और मैंने इसको रोक के रखा था कि तू मत जा, तू मुझे चाहिए, मेरे काम के लिए चाहिए, मेरे करियर के लिए चाहिए, मेरे कोरियोग्राफीज के लिए चाहिए. पर इस बार मैंने उसको नहीं रोका कि तू जा, क्योंकि मैं चाहता था कि तू जाके दिखाए कि बॉलीवुड भी कितना डिफिकल्ट है. सो इंडिया एक और 11 चैलेंज में प्रेजेंटिंग, कोर्ट में लॉयर, मंच पे डिस्ट्रॉयर, कोलकाता वेस्ट बंगाल से बुगी LLB और इनकी कोरियोग्राफर सोम्या ट्रामले. क्या बात है बुगी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपके जिंदगी में कोई ऐसा है जब आप दोनों मिलते हैं तो एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते हैं? हाँ, मेरा जिंदगी में बहुत ही बड़ा एक पिलर है, एंड वो पिलर है मेरा मम्मी, क्योंकि मेरा मम्मी मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है. जब मैं अंडरग्राउंड बैटल्स भी करता था तब भी मम्मी हम ना समझ के भी मेरे को सपोर्ट करता था. एंड अभी इवन राइट नाउ जब IBD चल रहा है, सबका स्कोर्स टैली करना, सबका देख रहा कि मैं कंपटीशन में कहाँ हूँ, सब कुछ मम्मी करता है. तो मम्मी भी स्कोर्स देती है आपको? मम्मी भी फीडबैक स्कोर्स मम्मी भी देती है. हम पे नाराज होती हैं अगर हमने अच्छा स्कोर नहीं दिया तो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मम्मी उल्टा समझाती है क्यों मिला उतना कम. जन्म जन्म वो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म वो तू ही जमी आसमान, जन्म जन्म वो तू ही जमी आसमान, ये है खबर दिल में कहीं रब रहता. लेकिन जैसे माँ ने हक किया, आपने इंट्रोड्यूस नहीं कराया इनसे जो आई हैं? मेरा दीदी है जो कि अभी भी एडवोकेट बन चुका है. एंड मम्मी है जो कि एक एकेडमिक लॉयर है, प्रोफेसर है. ओह, मतलब घर में बहस होती है तो मतलब वहां से भाग जाना चाहिए ना? बिल्कुल भाग जाना. तीन लॉयर है घर में. No one can argue in that house. और इसी के साथ मैं चाहता हूँ मम्मी जी और बोगी की बहन, प्लीज कम एंड सिट इन द फैमिली जोन और इसका पूरा परफॉर्मेंस देखिए. ओके, एब्सोल्युटली, एक बार जोरदार ताली हो जाए बोगी LLP के लिए. कम ऑन गाइस, एंड सोम्या के लिए. बोगी, न्यू एनर्जी नाउ. Today, full on energy has happened. Yeah, babe. Let's do this. Sweetheart. मोरी उन बिना रतिया
रजनी आए न बालम रोवत रोवत करनाया निस दिन मोहे बिरहा सता याद आवत जब याद आवत उनकी बतिया का करूं सजनी आए न बालम I think this is one of the best performances I've seen. So refreshing. Itna naya, itna beautiful. Pure underground dancers jo ki tamanna thi ki wo kahin na kahin unka style dik jaye is hamare is platform mein. Aaj aapne unki izzat rakh di aur aapne unka naam aage kar diya aur is style ka naam aage kar diya. Ye crown bakta de liye mere dost. For you also. Well done. This was my Chumeshwari kya bolte sab. I have no words to this. Superb guys. Outstanding. तो बूगी आपका टोटल स्कोर होता है 90. लेकिन आपने हमारे जजेस से हासिल किए हैं वो 3 बोनस मार्क्स. इसीलिए आपको आज मिलती है एलिमिनेशन से सुरक्षा. जोरदार ताली हो जाए. बूगी ये पूरा एक एक्ट ना डाइसेक्शन के लिए है. चाहे वो बांसुरी का सेक्शन हो ओपनिंग में और जो वेविंग की टेक्निक थी इट वॉज सो ब्यूटिफुल. सिर्फ वो एक लाइन चल रही है क्या करूं सजनी एंड उसमें कितने वेरिएशंस आपने दिखाए हैं. क्या करूं सजनी पूरा डबस्टेप का जो सेक्शन था क्लैरिटी के साथ आपने आज ये डांस फॉर्म को दिखाया है ना. आई एम टेलिंग यू दिस इज लाइक द बाइबल. मींस अ लॉट सर. मींस अ लॉट. थैंक यू सो मच सर. सौम्या आई हैव टू गिव इट टू यू. 17 साल की लड़की कोरियोग्राफर सबसे यंगेस्ट कोरियोग्राफर है यहाँ पर. थैंक यू सो मच सर. एंड आई हैव टू से हैट्स ऑफ टू यू सौम्या एंड रूबी. रिस्पेक्ट. दिल खुश कर दिया यार आज. दिल खुश कर दिया. बड़ा जो इस एपिसोड का मकसद है एक और एक 11 टू सी द पावर दैट आप दोनों लेके आते हो इस मंच पर. दिस वॉज द मोस्ट ओवरवेलमिंग एंड द मोस्ट सुपरलेटिव एक्ट आई हैव सीन ऑन इंडियाज बेस्ट डांसर. थैंक यू सो मच. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सी कि एक डांसर जब डांस करता है अपनी पर्सनैलिटी ना खोए. और बूगी जब से आए हो ना इस मंच पर आपने अपने पर्सनालिटी का एक कण नहीं खोया और आपकी पर्सनालिटी है जो इस स्टाइल को और एनहांस करती है. तो उस पर्सनालिटी को इस साझेदारी को इस परफॉर्मेंस को फिर से वंस अगेन.
Thanks a lot. Thank you so much, man. Sonali ji. You know, Geeta कहती है कि बड़े कलाकारों के साथ खड़े होके बात करते हैं, तो मैं गीता की तरह कहना चाहती हूँ कि बड़े कलाकारों को वहाँ बैठ के नहीं, यहाँ आके बताते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कितना तूफान। So well done, congratulations. भी कभी कुछ डांस करा? हाँ हाँ, हम लोग तो बहुत दफे हम लोग एक साथ कुछ ना कुछ करते रहते। सुपर, एक एक नजारा मिल जाए। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, ये कीना बात। अरे ये है मेरा दिल ब्रेकिंग न्यूज़, एंटरटेनमेंट का अर्थवेक, साइक्लोन, सुनामी सब एक साथ आने वाले हैं, क्योंकि वो आ रहा है। क्या वही आ रहा है जिसको देख के सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी? अरे इस बार सिर्फ आंखें खुली की खुली नहीं, होश उड़े के उड़े और रोंगटे खड़े के खड़े रह जाएंगे, क्योंकि इंडियाज़ गॉट टैलेंट वापस आ रहा है। तो इंडिया, अगर आपके टैलेंट में है दुनिया जीतने का दम, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि शुरू हो रहा है इंडियाज़ गॉट टैलेंट के ऑडिशंस। कोलकाता में 28 मई, दिल्ली में 4 जून को और मुंबई में 11 जून को। ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए डाउनलोड या अपडेट करें सोनीलिव ऐप। तो आइए और अपने टैलेंट से दुनिया जीत लीजिए। इंडिया एक और एक 11 चैलेंज में प्रेजेंटिंग गोसावी बस्ती की सबसे मशहूर हस्ती पुणे महाराष्ट्र से अपेक्षा लोंडे और इनकी कोरियोग्राफर अरुंधति गरनायक। Two, one.
loved it. Apeksha aur Arun Dhati ke liye. Dead drop. Aaj, you know, jis tarike se Apeksha aapne whacking aur voking ko nibhaya hai, I didn't see that in any of the other episodes. Many moments jahan pe aapne apne body ke saath jo combinations banaye. And the final jo dead drop hota hai. Is performance ke liye, I'll definitely give you a 10. Yeah, thank you, sir. Thank you so much, sir. From me also. Thank you so much. Apeksha, this growth is immense. मैंने इतना नहीं expect किया था एक हफ्ते में. So काबिले तारीफ. But there is still so much to work on. Yes, मेरी तरफ से I am going to ask you to work slightly more harder. 9 marks. तो आपका total होता है 29. और तीन हफ्ते के scores को मिलाकर मैं आपको बता दूं कि आपका total होता है 77. Thank you so much. पिछले तीन हफ्ते के परफॉर्मेंसेस और स्कोर्स के बाद लीडरबोर्ड पे सबसे लोएस्ट है राम, अपेक्षा और सुष्मिता. मैं इन तीनों को मंच पे बुलाना चाहूंगा, प्लीज आ जाइए. तो जय, बात यह है कि ये तीनों हमारे लोएस्ट स्कोरिंग कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इनको एक मौका दे दें कि ये फिर से एक बार इस मंच पर परफॉर्म करें. जो इनमें से थोड़ा सा कम पड़ेगा परफॉर्मेंस वैल्यू में, वो आज घर जाएगा या जाएगी. प्रेजेंटिंग सुष्मिता तमन. कमऑन सुष्मिता. बाय सुष्मिता.
सुष्मिता अपेक्षा सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो आज घर जाएगा उसका नाम है अपेक्षा सो इंडिया एक और एक ग्यारह का ये चैलेंज यहीं खत्म होता है और आज के एलिमिनेशन के बाद हमें मिल गए हैं हमारे बेस्ट 12। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।